हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। सुबह के बज चुके हैं 8 और भाई तुम्हारा भाई जा रहा है जिम में। यार काफी दिन हो गए थे व्लॉग बनाए, तो मैंने सोचा यार चलो आज स्टार्टिंग जिम से ही करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं अंदर और अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। चलो तो फ्रेंड्स आज का तुम्हारे भाई का जो वर्कआउट था भाई सारा टाइम हो चुका है। तो भाई अभी चलते घर। भाई ऐसे कुछ है हमारे जिम काफी अच्छी है भाई। और फ्रेंड्स अभी चलते हैं घर पे, अपना खाना खाते हैं। फ्रेंड्स आज तुम्हारे भाई ने की थी बाइसेप्स की और भाई ट्राइसेप्स की। देखो यार बाइसेप्स पूरा पंप हो रहा है और ये घर जाते जाते थोड़ा ढीला हो जाएगा क्योंकि भाई अभी स्टार्टिंग है ना, काफ़ी दिन नहीं हुए, एक महीना भी नहीं हुआ मेरे को जिम करते हुए, 10-15 दिन हुए हैं। तो आगे आगे और अच्छी ग्रोथ दिखेगी आपको मेरी बॉडी में। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं घर पे और भाई कुछ खाने पीने का लेते हैं। फ्रेंड्स तुम्हारा भाई आया है मंडी में और फिलहाल मैं बैठा भाई हुंडई वेन्यू में। भाई कल मैं कैसे यार घर पे आया ना, तो भाई किसी काम से चला गया था घर वालों के साथ, तो भाई वीडियो नहीं बना पाया आगे। तो भाई अभी आया मैं सब्जी मंडी भाई के साथ वेन्यू में। और भाई इसका स्टीयरिंग काफी लाइट है यार अपने i20 से काफी ज्यादा। और भाई सबसे अच्छी बात इसकी बोनट दिखता है सारा और इसमें रेडियो एफएम चल रहा है। भाई इसको बंद कर देते हैं, नहीं कॉपीराइट ये मारते हैं कॉपीराइट क्लेम। वैसे इनकम तो आती नहीं मेरी, लेकिन फिर भी भाई क्या बताया आगे उसमें मोनेटाइज होने में दिक्कत आई, तो इसके लिए बंद कर दिया मैंने। भाई अभी मैं इसको मोड़ने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। मैं भाई गया हुआ अंदर सामान लेने, उसके बाद फिर भाई बियर्ड सेट कराने जाऊँगा अपनी कार में। काफ़ी साइलेंट है और भाई देखो i20 में एयर वेन्यू से बहुत ज़्यादा स्पेस है, ये बस थोड़ी ऊंची है यार एक। आपको बस ये कि बोनट दिखता है आपको, मतलब कॉन्फिडेंस आता है कि आप एक थोड़ी सी बड़ी गाड़ी चला रहे हो। और भाई बोनट दिखने के कारण आप जैसे आप भीड़ की जगह, तो भाई आपको पता है कि आपकी गाड़ी कहाँ तक है। i20 में ये नहीं पता चलता भाई, उसमें तो भाई अंदाजे से चलती है। और फ्रेंड्स हुंडई और सुजुकी कार्स में सबसे अच्छी बात पता क्या, इनमें वाइब्रेशन नहीं होती। एक तो पेट्रोल इंजन है ऊपर से इतने रिफाइंड होते हैं ना, देखो यार इस पे भी हल्की सी भी वाइब्रेशन नहीं है ना स्टीयरिंग पे। और भाई एसी चल रहा है, गाड़ी स्टार्ट है भाई, आप बता दो कहीं भी इंजन की आवाज आ रही होगी ना आपको अंदर बैठकर, बाहर से भी नहीं आएगी भाई, इतनी साइलेंट बनाते हैं हुंडई आजकल अपने इंजन को। हुंडई भी यार सुजुकी भी भाई, हुंडई नहीं सुजुकी भी, बस टाटा के थोड़े बहुत आवाज करते हैं, नहीं तो आजकल किसी के ज्यादा आवाज नहीं करते इंजन, इतने रिफाइंड बना रहे हैं भाई इंजन। देखो मैं अगर हल्की सी रेस भी दूंगा जब भी कोई आवाज नहीं करता भाई। फ्रेंड्स यार किसी ने अपनी लाइट तोड़ दी रात को, देखो मतलब डेली कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाता है यार कार में, क्या करूं मैं अब यार सारे पैसे मैं इस कार पे कैसे लगाऊं यार बार बार। चलो ठीक है यार टूट गया, साल 6 महीने में टूट गई ठीक करा दी यार, बार 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 ऐसे कोई खराब है। आपने देखा फॉग लैंप, अब लाइट यार मैं तंग आ चुका। तो फ्रेंड्स आज है करवा चौथ और भाई आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। यार देखो हम रांडो का तो है नहीं है त्यौहार, आप जो भी कपल हैं भाई उनके लिए त्यौहार है, तो भाई मेरी त्यौहार गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो मैं तो इस त्यौहार से मेरा तो इस त्यौहार से कोई मतलब ही नहीं बनता। तो पर फिर भी भाई आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और अपने भी बच्चों के साथ अच्छी तरह से त्यौहार मनाएं और इन्जॉय करें, बस यही कहना चाहता था फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया आज करवा चौथ है, तो भाई हो सकता है शाम को भाई दोबारा से मतलब प्रोग्राम हो जाए कुछ ऐसा कि दोबारा से व्लॉग स्टार्ट कर दो भाई, रात को डीजे लग जाए तो भाई जैसे आप सभी को दिखाऊं भाई कैसे गले वाले हम कैसे गले वाले एंजॉय करते हैं ये वो। तो भाई देखते हैं शाम को पता लगेगा, क्योंकि भाई अभी क्लियर नहीं है कि डीजे लगेगा या नहीं। अभी भाई के घर जाता हूँ मैं, भाई से भाभी से पूछता हूँ कि भाभी क्या प्रोग्राम है, कुछ होगा या नहीं होगा। तो अभी इसको साइड में लगा देते हैं यार,
बिना बात कोई फिर ठोक जाएगा, क्या फायदा। पता नहीं फ्रेंड्स किसी ने ठोकी है या फिर ये वैसे तोड़ी है, क्योंकि भाई मैंने तो देखा नहीं यार क्या हुआ क्या नहीं, तो क्या ही बोलूं मैं। कोई नहीं भाई, नुकसान हो गया कोई नहीं, अच्छी बात है, नुकसान होते रहने चाहिए यार, कंटेंट मिलता रहेगा मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।